हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्किन के फंक्शंस के बारे में। देखिए, पिछले वीडियो का कंटिन्यूशन पार्ट है, तो इसमें हम देखेंगे बेसिकली स्किन के एक स्किन का क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं और थोड़ा उसकी अप्लाइड एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, स्किन एक सबसे पहले ऑर्गन है, लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारे बॉडी का। तो इसके बेसिकली बहुत सारे फंक्शंस होंगे। तो देखिए, सबसे पहला फंक्शन है स्किन का कि प्रोटेक्शन। तो स्किन क्या करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किससे, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है कोई हीट, कोल्ड या टेम्परेचर, एसिड एसिड या सनरेज से, कोई भी एक्सटर्नल या फॉरन पार्टिकल से क्या करता है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है स्किन। उसके बाद आता है दूसरा फंक्शन, सेंसरी फंक्शन। तो देखिए, स्किन जो होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है लाइट, टच, पेन और टेम्परेचर के लिए। तो अगर ऐसा कोई भी सेंसेशंस आता है तो उसके लिए सेंसिटिव है ये और सेंसिटिव परसेप्शन करता है ये। थर्ड जो फंक्शन होता है उसका एब्जॉर्प्शन। तो देखिए, कोई भी हम क्रीम लगाते हैं या ऑइंटमेंट लगाते हैं तो वो बेसिकली स्किन स्किन के द्वारा एपिडर्मिस, डर्मिस, उसके बाद अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसका एब्जॉर्प्शन में भी बहुत ही बड़ा रोल है। तो कोई भी ऑयली सब्सटेंस या कोई जो डर्मल, इंट्रा डर्मल जो होते हैं मेडिकेशंस, वो सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्किन से। एब्जॉर्प्शन का आता है सिक्रीशन। तो देखिए, ये सिक्रेट करता है बेसिकली स्वेट, सॉल्ट्स और कुछ वाटर। उसके बाद आता है कि एब्जॉर्प्शन होगा, सिक्रेशन होगा, एक्सक्रेशन। तो देखिए, एक्सक्रेशन होगा बेसिकली स्किन क्या करेगी, एक्सक्रीट करती है क्या, स्वेट। तो स्वेट को निकालेगी, वही स्वेट ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में, स्किन में स्वेट ग्लैंड्स और सेबेसियस ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड से स्वेट प्रोड्यूस होता है और इससे वाटर लॉस भी हो रहा है, तो रेगुलेशन ऑफ वाटर भी करता है एक स्किन। उसके बाद आता है कि रेगुलेशन ऑफ पीएच। तो देखिए, ये पीएच ऐसे मेंटेन होता है कि जब स्वेट निकलता है तो उसके साथ कुछ कुछ अमाउंट ऑफ एसिड भी एक्सक्रीट हो जाता है। तो देखिए, बॉडी का जो पीएच होता है 7.4 होता है, जब वो 7.3 आ जाता है तो वो एसिड में चला जाता है, और 7.5 जाता है तो उसको बेस में जाता है। तो ये एसिडिक की प्रॉपर्टी है, तो 7.4 पीएच है बॉडी का, तो इससे रेगुलेशन करता है कि जब स्वेट के साथ साथ एसिड भी निकल जाता है तो वो एल्कलाइन चला जाता है। तो ये रेगुलेशन हो गया एक एसिड का। उसके बाद आता है सिंथेसिस। तो देखिए, स्किन जो क्या करता है कि सिंथेसाइज करता है क्या, विटामिन डी विद द हेल्प ऑफ यूवी रेज ऑफ द सन। तो जो यूवी रेज आती है सन से, उसमें क्या होता है कि सन रेज विटामिन डी नहीं बनाता है। क्या होता है, अब हम कहते हैं कि सन सन से विटामिन डी ले रहे हैं, ये गलत है। हमारा बॉडी क्या करता है, वो सिंथेसाइज करता है विटामिन डी। तो वो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट कर देता है, और उसमें उसका लीवर में प्रोसेस होता है, तो 7-डी कोलीकैल्सिफेरॉल वो होता है, डिहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल कन्वर्ट होता है, वो एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन डी का। तो बेसिकली उससे कन्वर्जन होता है विटामिन डी का। तो ये सिंथेसिस एक पार्ट हो गया। उसके बाद है स्टोरेज। तो स्किन क्या करता है, स्टोर करता है क्लोराइड आयंस को। उसके बाद आता है रिपेयर यानी वुंड रिपेयर। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो स्किन होता है वो क्या करता है, रिपेयरिंग का काम करता है। तो मान लीजिए जैसे कोई इंजरी हुई या कोई एक्सीजन इंजरी हुई, तो उसमें क्या होता है कि स्किन रिपेयर करने का काम कर रहा है। रिपेयर ऐसे करता है कि देखिए, ऊपर से होता है डेड सेल्स, यानी ये जो पार्ट आप देख रहे हैं तो ये बाहर वाला पार्ट है, ये मिलकर बना है कॉर्नियोसाइट्स एंड डेड सेल्स से। उसके बाद एक आता है सबसे अंदर वाली लेयर एपिडर्मिस की, इसको बोलते हैं स्टैटम जर्मिनेटिवम। तो एपिडर्मिस की फिफ्थ लेयर जो है, उसके बाद वो जर्मिनेटिवम, वहाँ से क्या होता है, एक न्यूली फॉर्म सेल्स डेवलप होते हैं, और ऊपर की तरफ सबसे पहली वाली लेयर जो डेड सेल्स है कॉर्नियोसाइट्स, उसके तरफ क्या करते हैं, वो ट्रेवल करते हैं, यानी डीपर से पेरीफेरी की तरफ ट्रेवल करते हैं। तो ऐसे हीलिंग का काम करता है कौन, स्किन। तो स्किन बेसिकली क्या कर रहा है, जब वुंड हो रहा है तो एक एक लेयर बाय लेयर बनाया जा रहा है, एक परत बनाया जा रहा है ऐसा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर है, और जो ऊपर वाली लेयर है वो हटती जा रही है, हटती जा रही है। तो क्या हो रहा है, वुंड का रिपेयर हो जा रहा है यहाँ पर। तो ये कुछ 8-9 फंक्शंस हैं स्किन के। उसके बाद ये थोड़ी अप्लाइड एनाटॉमी इसकी, कि स्किन में क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, स्किन के साथ जो होता है नेल्स अटैच होते हैं, वो उनको बोलते हैं अपेंडेजेस। तो स्किन के चार अपेंडेजेस होते हैं, हेयर्स, नेल्स, स्वेट ग्लैंड्स और सेबेसियस ग्लैंड्स। तो हेयर्स और नेल्स जो होते हैं वो केराटिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं स्वेट सीक्रेट करते हैं, और सेबेसियस ग्लैंड ऑयली सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं सीबम। तो इस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, जो ऑयली सब्सटेंस है उसका जब एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो जाता है फेस में या फिर कहीं और, तो क्या होता है, एक्नी होता है। और एक्नी जब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है बॉडी में, तो उसको बोलते हैं एक्नी वल्गैरिस, जो कि एक सर्जरी का पार्ट रहता है उसमें। तो ये होता है। उसके बाद स्किन बिकम्स ड्राई हो जाती है, स्किन कब, धतरा पॉइजनिंग में। उसके बाद नेल्स की अगर बात करें, नेल्स की पैथोलॉजी की, तो उसमें क्या होता है कि अनीमिया होती है। जब अनीमिया होता है तो नेल्स हो जाते हैं कैसे, पेल और वाइट।
उसके बाद आयरन डेफिशिएंसी होती है जब नेल्स में, तो बेसिकली ये दो चीज़ों से कनेक्टेड। देखिए आयरन डेफिशिएंसी जब होगी तो उसमें स्पून लाइक हो जाएगा नेल्स, और ड्रम शेप्ड हो जाता है नेल्स जब क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो जाती है किसकी, लंग्स की। तो इसमें देखिए दो चीज़ें हैं कि जब मैट्रिक्स बोन मैट्रिक्स सॉरी जो नेल मैट्रिक्स होता है वो जब कम होता है तो नेल्स की थिनिंग भी हो जाती है, यानी जैसे बोन का मैट्रिक्स होता है नेल का भी मैट्रिक्स होता है, यानी ये जो नेल है वो कनेक्टेड है अंदर नेल मैट्रिक्स से। तो जब नेल की मैट्रिक्स डिक्रीज होता है तो नेल बेड कम हो जाता है और नेल्स की थिनिंग हो जाती है। तो ये ओवरऑल फंक्शन है इसका और अप्लाइड एनाटॉमी। ऐसे ही अगले पार्ट में हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगा। थैंक यू।